नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्यों की थी अर्जुन ने अपनी बहन से शादी। महाभारत काल में अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम और विवाह का वर्णन मिलता है। सुभद्रा अर्जुन के मामा की पुत्री और श्री कृष्ण की बहन थी और श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ था। अर्जुन पहले से ही विवाहित थे। उनकी 3 पत्नियां थीं जिनका नाम द्रौपदी, उल्लपी और चित्रगंधा था, लेकिन सुभद्रा को देखकर अर्जुन मोहित हो गए थे और फिर श्री कृष्ण की सहायता से दोनों का विवाह हुआ। आइए जानते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रेम कथा और विवाह के बारे में। पुरानी कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के बुलावे पर अर्जुन द्वारका पहुंचे थे। अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच काफी घनिष्ठता थी। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा तो वह सुभद्रा को देखकर मोहित हो गए, पर अर्जुन जानते थे कि सुभद्रा से उनका विवाह संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने देखते ही यह स्थिति भांप ली और अर्जुन के पास जाकर सुभद्रा से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। श्री कृष्ण का कहना था कि दोनों का विवाह आसान नहीं है, क्योंकि बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, इसीलिए वह इस विवाह के खिलाफ होंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुमको सुभद्रा से विवाह करना है तो उसका अपहरण करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सुभद्रा से विवाह करना है तो उसे देवरथ पर्वत से बढ़ाकर ले जाओ। फिर जैसा श्री कृष्ण ने कहा वैसा ही अर्जुन ने किया। देवरथ पर्वत से सुभद्रा को भगाकर अर्जुन लेकर गए। जब यह बात बलराम को पता चली तो वो क्रोधित हो गए और अपनी सेना सजाकर युद्ध करने के लिए आ गए। यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को समझाते हुए कहा कि सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ऐसे में उनका विवाह करना ही उचित होगा, और फिर अर्जुन कोई गैर तो नहीं, हमारे बुआ कुंती के पुत्र ही हैं। ऐसे में अर्जुन के साथ हमारी बहन सुभद्रा बहुत खुश रहेगी। यह बात सुनकर बलराम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद अर्जुन ने सुभद्रा से गंधर्व विवाह कर हस्तिनापुर ले आए।